रोहित गिल के तूफान के बाद गेंदबाजों ने दिखाया जलवा। न्यूजीलैंड का सुपर स्टार का टीम इंडिया ओडीआई में बनी नंबर वन। रोहित की कप्तानी में ओडीआई का बादशाह बना भारत, तो शुभमन ने बाबर को पछाड़ा। तीसरे वनडे में बने कुल 18 रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने खेली महाविनाशक पारी। 1101 दिन बाद वनडे शतक ठोक कर तोड़ दिया पॉन्टिंग का ये महा रिकॉर्ड। इंडियन क्रिकेट टीम ने मंगलवार को इंदौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हरा दिया। इस एक जीत से भारत ने ट्रिपल धमाल मचा दिया। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेलने उतरी टीम इंडिया ने मुकाबले में निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 385 रन बनाए। इसके बाद कीवी टीम 41.2 ओवर में 295 रन पर ऑल आउट हो गई। बैक टू बैक दो वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 1 पर आ गई है। भारत ने 3-0 से जीती सीरीज। कप्तान रोहित शर्मा के 3 साल में पहले वनडे शतक के अलावा शुभमन गिल की आक्रामक सेंचुरी से भारत ने न्यूजीलैंड को सीरीज के तीसरे वनडे में 90 रन से हरा दिया। इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को भी वनडे सीरीज में हराया था। आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा भारत। भारतीय टीम अब वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर मौजूद थी। रैंकिंग में अब टीम इंडिया का दबदबा है और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया आगे बढ़ रही है और निगाहें सीधा वर्ल्ड कप 2023 पर टिकी है। आईसीसी वनडे रैंकिंग की बात करें तो भारत पहले पायदान पर 114 रेटिंग्स के साथ, दूसरे पायदान पर है इंग्लैंड 113 रेटिंग्स, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 112 रेटिंग्स, 111 रेटिंग्स के साथ चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड और 105 रेटिंग्स के साथ पांचवें नंबर पर है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। 386 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए उतरी न्यूजीलैंड टीम को डेवन कॉनवे ने शतकीय पारी खेल शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन वो इस मैच में अकेले लड़ाकू पारी खेलते हुए दिखे। उनको किसी भी और बल्लेबाज का साथ नहीं मिल सका। हालांकि निकोलस और सेंटनर ने धमाकेदार पारी खेलने की कोशिश जरूर की, मगर वो अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर सके। निकोलस 42 रन तो सेंटनर 34 रन बनाकर आउट हो गए। इनके अलावा 3 खिलाड़ी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पहले मैच में शतक जड़ने वाले ब्रेसवेल के बल्ले से भी 26 रन निकले। मिशेल 24, ग्लेन फिलिप्स 5 और लॉकी ने 7 रन बनाए। दूसरी ओर शुरुआत में खराब गेंदबाजी करते नजर आ रहे भारतीय गेंदबाजों ने 32वें ओवर के बाद अपना विकराल रूप दिखाया और महज 10 ओवर के अंदर 6 बल्लेबाजों का विकेट निकाला। भारत की ओर से शार्दुल और कुलदीप ने 3-3 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक के हाथ एक एक सफलता लगी। चहल ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान रोहित शर्मा ने भी शार्दुल ठाकुर और कुलदीप की गेंदबाजी की तारीफ की। हिटमैन ने कहा, शार्दुल कुछ समय से अच्छा कर रहा है, लोग उन्हें टीम का जादूगर कहते हैं और उन्होंने आकर डिलीवरी की, बस उनके क्षेत्र के नीचे और खेल लाने की जरूरत है। जब भी मैंने कुलदीप को गेंद दी है तो उसने सफलता दिलाई और महत्वपूर्ण विकेट लिए। खेल के समय के साथ कलाई के स्पिनर बेहतर होते जाते हैं। तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ाए। इसी के साथ उन्होंने अपने नाम एक बड़ा महा रिकॉर्ड कर लिया है। वनडे क्रिकेट में अब रोहित शर्मा के नाम कुल 30 शतक हो चुके हैं। इसी के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 375 वनडे मैचेस में 30 शतक ठोके हैं और रोहित शर्मा ने 241 वनडे मैचेस में 30 शतक ठोककर उनका ये महा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर मौजूदा समय के महान बल्लेबाज विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 46 शतक लगाए हैं। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा 241 वनडे मैचेस में 30 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग 375 वनडे मैचों में 30 शतक के साथ रोहित शर्मा से पिछड़ गए हैं। इसी के साथ ही रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 351 छक्के मारे हैं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 331 छक्के जड़े। भारत के रोहित शर्मा 273 छक्कों के साथ
तीसरे पोजीशन पर काबिज हो गए हैं। वहीं श्रीलंका के सनत जयसूर्या चौथे पायदान पर 270 छक्कों के साथ महेंद्र सिंह धोनी के खातों में 229 चौके जो कि पांचवें पायदान पर आते हैं। तीसरे साल बाद हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले का वनडे में जलवा देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।